हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैलजा एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ। एंड आज का वीडियो सिर्फ एक क्यू एंड ए सेशन की तरह ही है, क्योंकि मैंने एक पोस्ट करा हुआ था कम्युनिटी गाइडलाइंस पे कि आप में से कितने लोगों के मन में कुछ सवाल है या कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं। तो मुझे 80-85 लोगों के कॉमेंट्स आए थे, तो आज बस मैं ये वीडियो एक छोटा सा क्यू एंड ए सेशन रख रही हूँ एंड ट्राई करूँगी यार कि जितने भी लोगों का कॉमेंट आया मैं सब पे रिप्लाई कर पाऊँ। तो गाइज़ चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्यू एंड ए सेशन। एंड आज का पहला क्वेश्चन है रूबी अग्रवाल की तरफ से, इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग एंड व्हाट कोर्स आर यू डूइंग। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो 80 में से 50 लोगों को यही जानना है कि गाइज मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आई एम परसिंग माई एम टेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसके पहले मैंने बी टेक करा हुआ था, क्योंकि एम टेक के लिए आपके पास ऑलरेडी एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने बी टेक करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में एंड अभी मेरा एम टेक का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर। तो उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि विच कॉलेज। तो गाइज़ मैं कई बार अपने शॉर्ट्स में भी मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरे कॉलेज का नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। ये ग्रेटर नोएडा में ही है एंड काफ़ी बार बताया हुआ है मैंने शॉर्ट्स में अपने, बट यू नो एज लाइक नए नए लोग जुड़ते जाते हैं उन्हें तो भी नहीं पता होता है, तो वो मेरे से पूछते रहते हैं व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। यार फ्यूचर प्लान में तो टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट यही है कि मैं अभी काफ़ी अच्छे से अपनी इंटर्नशिप कर लूँ, एम टेक काफ़ी अच्छे ग्रेड से यू नो कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, उसके साथ साथ एक अच्छी जॉब मिल जाए, और किसी को और क्या चाहिए। एंड बाकी मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है काफ़ी अच्छे से ग्रो करे, आप लोग जो कर रहे हैं लाइफ में बहुत अच्छे से करें, सबको वो मिले जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप अच्छा सोच रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है इनका, हु इज़ योर सेलिब्रिटी क्रश। सो सॉरी मेरा कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं है यार। हु आर इन योर फैमिली। तो मेरी फैमिली में इन टोटल 5 लोग हैं, मम्मा पापा मैं, मेरी छोटी सिस्टर साहब, उसका बाहर का नाम कुछ और है, तो आई थिंक हम लोग तो साहब प्यार से बुलाते हैं। एंड मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है आदर्श, बट हम लोग उसे टोबू कहते हैं प्यार से, एंड आई थिंक अब आप लोग भी प्यार से उसे टोबू ही कहते हैं हमेशा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड हु सपोर्ट्स यू मोर। यार मेरा पूरा परिवार इतना सपोर्टिव है, इनफैक्ट मेरा छोटा सा 6 साल का भाई वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ईच एंड एवरी वन इन स्पाइट ऑफ देयर एज। भाई सब ने बहुत सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए, इंक्लूडिंग माई कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, मम्मा पापा, अंकल आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, सब ने, इनफैक्ट आप लोगों ने भी, तभी मैं आज आपसे एक ऐसा 1-to-1 सेशन क्रिएट कर पा रही हूँ। मुझे फ्यूचर में मौका मिला डेफिनेटली आई एम गोना यू नो कीप अ मीटअप एंड मैं आप सबसे मिलना भी चाहूँगी, मेरी बहुत इच्छा है ये काम करने की। उसके बाद इन्होंने पूछा है रोल मॉडल। यार मैं रोल मॉडल तो सच बोलूँ अपनी मम्मा को मानती हूँ, बिकॉज आई फील कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करा है, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट ऑल्सो, इन स्पाइट ऑफ वो अपने डिसिप्लिन के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी फैमिली को भी देखना, अपने करियर को भी देखना, हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से करी है लाइफ में। एंड आई थिंक यार पेरेंट्स से बड़ा रोल मॉडल किसी बच्चे के लिए कोई नहीं होता है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, अपनी दोनों लाइफ को मेंटेन और बैलेंस करते हैं, खुद को देखते हैं, हम सबको देखते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए वो। तो गाइज इसी के साथ अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर योर करियर प्लान्स, प्राची त्रिपाठी ने पूछा हुआ है। सो प्राची हाय, मेरा करियर प्लान फ़िलहाल तो यही है यार, टू गेट एन इंटर्नशिप, उसके बाद मैं अच्छी जॉब कर लूँ, एंड जॉब के बाद मेरे को मौका मिलेगा तो आई एम डेफिनेटली गोना डू माई MS और PhD फ्रॉम फॉरेन। इच्छा तो है यार मेरी, लेट्स सी कब तक पूरा होता है। किसी यूज़र ने लेट मी यू नो अवनी सिंह का मैसेज है कि हाउ डू यू मेक प्लान फॉर स्टडी। यार पढ़ाई मेरा 8:30 से 5:30 तक का कॉलेज होता है, मैं उसके बाद थोड़ा बहुत जिस तरह से वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, आप तक वीडियोस पहुँचाती हूँ अपनी, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ती भी हूँ, बट हाँ कभी पढ़ाई नहीं दिखा पाती हूँ अपनी। एक्सपेरिमेंट किंग ने मैसेज करा है व्हाट्स योर हॉस्टल फीस। तो यार मैंने एक दो दिन पहले वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है अपने हॉस्टल टूर के बारे में, जिसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस है 2 लाख रुपये। तो बस 2 लाख रुपये है डबल शेयरिंग का, एंड अगर ट्रिपल शेयरिंग वाला आप करूँ मैं तो उसके लिए 1,60,000 रुपये, उसमें जिम, लॉन्ड्री, स्पोर्ट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। तो रुद्रा पाटिल ने क्वेश्चन करा हुआ है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। आई थिंक मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, मैं MTech कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो हाईटेक शिखर ने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि आपका मिनी ब्लॉग देखकर अपना कॉलेज एंड मेस याद आ जाता है। यार मेरे को सच में ऐसे कमेंट्स पढ़ करके इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
क्रैक ट्रेन नॉलेज ने मैसेज करा है, क्या ये सही रहेगा स्टूडेंट के लिए कि वो यूट्यूब के साथ स्टडी भी करे, जैसे यूट्यूब पर स्टडी ब्लॉग जैसा या कुछ और वीडियोस? प्लीज़ क्वेश्चन ले लीजिएगा यार। आई थिंक कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हो, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग होते हैं। क्या पता मेरा अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, सेम कोर्स के लिए ही अलग पर्सपेक्टिव है, अलग स्टडी प्लान है, आपका अलग स्टडी प्लान है, तो आई थिंक शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करेंगे तो सबकी हेल्प हो सकती है इस चीज़ से। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है बाय द वे यूट्यूब। सो किसी ने मेरे को मैसेज करा है, इनका नाम है ड्राई नट, ही इज़ लाइक कि हाउ डू यू मेंटेन योर वेट, कैन यू गिव सम टिप्स? यार ये मेरे से मत पूछो, मेरा तो वज़न बढ़ता चला जा रहा है। मैं जिम एक दिन जाती हूँ और 5 दिन कुछ खा लेती हूँ, तो मेरा तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। वेयर इज़ योर हॉस्टल? तो मेरा हॉस्टल है ग्रेटर नोएडा में, एंड अब बेनेट यूनिवर्सिटी गूगल पर डालोगे वो अपने आप आ जाएगा यार, तो मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। क्या तुमने JEE एग्ज़ाम दिया था, और दिया था तो कितनी परसेंटाइल आई थी? उत्कर्ष पाठक, यार मैंने JEE का एग्ज़ाम नहीं दिया था। आई नो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा कि बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने नहीं दिया, बट सचमुच में नहीं दिया था, एंड मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बचपन से मेरा एक उसूल है, दादी ने एक चीज़ सिखाई है कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो यार झूठ नहीं बोलूँगी, बट हाँ कभी भी मैंने JEE का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने AKTU वगैरह का दिया था, जो कि हमारे यू नो यूपी का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका, उसमें हो गया था मेरा काफ़ी अच्छे से, तो मैंने कहा कि यार अब इसमें हो गया तो ये करती हूँ। सुमित कुमार ने मैसेज करा है कि हाउ यू मैनेज योर स्टडी विद द मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़? यार जिस काम को करना आपका पैशन बन जाता है एंड उस पर लोग आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आराम से आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल लोगे, एंड वही चीज़ मेरे साथ होती है। मुझे अब इतना अच्छा लगता है आप सबके यू नो क्वेश्चन आंसर कॉमेंट्स का रिप्लाई करना, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं उसी काम को अपना रेगुलर बेसिस पे करती जा रही हूँ एंड चैनल ग्रो करता जा रहा है। सो अब दूसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पे सविता सिंह का, हे शैलजा त्रिपाठी, यू मेक अ वेरी गुड वीडियो, माय क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू लिव दिस टाइम? यार वैसे तो मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ सविता जी, लेकिन अभी मैं लखनऊ आई हुई हूँ क्योंकि होली का टाइम है, एंड कल होली थी और आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा दिनों से पेंडिंग है एंड मुझे ज़्यादा पेंडिंग इसे नहीं रखना चाहिए। आपने नॉलेज पावर ने मैसेज करा है, आप कौन सी एजुकेशन ले रही हैं? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, मैं एमटेक कर रही हूँ। सो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तम शर्मा जी ने पूछा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं एंड आपकी फ़ीस कितनी है? तो यार मेरे हॉस्टल की फ़ीस है 2 लाख रुपए एक सेमेस्टर की, एंड मेरी जो अकेडमिक की फ़ीस है आई थिंक 75,000 रुपीज़ है, 75 तो हाँ, तो वो मतलब काफ़ी सही है। फिर सुमित कुमार ने पूछा है, आप किस स्कूल में थी कॉलेज से पहले? तो यार कॉलेज से पहले मैं कॉलेज में ही थी। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फ्रॉम ब्लडी गेमिंग। उन्होंने पूछा है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मैंने आई थिंक आपको आंसर कर दिया है कि मम्मा पापा मैं एंड हम 3 भाई बहन हैं। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यार यही चीज़ के थे, विच कोर्स आई एम परस्यूइंग, विच फ्रॉम विच कॉलेज, मिस का फीस कितना एंड सब कुछ, वो चीज़ तो मैंने आई थिंक आपको क्लियर कर दी है। उसके बाद मेरे को मैसेज करा हुआ है विकू एंड सौरिया शो ने, तो इनका क्वेश्चन है कि वेयर इज़ योर रियल होम, प्लीज़ टेक माई कॉमेंट। तो गाइज़ मेरा रियल होम लखनऊ में है, मैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा पढ़ाई करने के लिए गई हुई हूँ। किसी ने कमेंट करा है जिनका नाम है सोहिनी, इन्होंने मुझसे पूछा है टेल मी अबाउट योर फिटनेस गोल। यार फिटनेस गोल होती तो क्या बात होती, मैं तो कोई फिटनेस गोल नहीं है, मुझे तो अभी मजाक लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ध्रुव भैया इज़ लाइक हाँ सो लेट मी क्लियर, बहुत सारे लोगों का ध्रुव के बारे में मैसेज आता है यार। एक्चुअली ध्रुव एंड विनायक बोथ आर लाइक माई एल्डर ब्रदर, मतलब वो दोनों तो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत हमेशा एकदम अपने प्यार से बहुत छोटी बहन की तरह उन्होंने संभाल के सहेज के रखा है मुझे फ्रॉम डे वन ऑफ माई यू नो मास्टर्स। एंड रही बात ध्रुव की, तो रिसेंट में ध्रुव मेट एन एक्सीडेंट एंड काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी, मतलब उसका पूरा सर्वर फूट गया। आई ट्राई टू यू नो मैं पिक्चर लगाऊंगी इस साइड पे, इतना ज़्यादा कि उसकी पूरी कार ख़त्म हो गई एंड वो और उसका फ्रेंड जा रहे थे, उसका फ्रेंड तो बिल्कुल ठीक है बट ध्रुव को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आई होप यार वो जल्दी से सही हो जाए एंड होली के बाद वापस से हम लोग मिल पाएँ, चीज़ें अच्छी हो जाएँ, क्योंकि यार उस किसी भी आदमी को मतलब ऐसे इतना एक्सीडेंट एंड ये सब मेरे को तो बहुत डरावना लगता है यार, बट आई नो कि उसकी रिकवरी बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा वो। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चंस पे आती हूँ मैं जल्दी जल्दी से।
अर्पिता भारद्वाज जी ने मेरे को कमेंट करा है, दीदी आपका मेस कहाँ है, इतना अच्छा खाना मिलता है। तो यार मेरा मेस मेरे कॉलेज में ही है, मेरे यूनिवर्सिटी में ही है। उसमें पढ़ने के लिए, उसमें रहने के लिए आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा यार, वो ऐसे नहीं लेते हैं। वैष्णव वी राजपूत ने मेरे से पूछा है व्हाट इज़ योर एज थी। सो आप ये चीज़ लगा लो कि 12th तक तो मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने कोई गैप नहीं लिया। एंड उसके बाद मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करा बीटेक, 4 साल का बीटेक के बाद भी मैंने कोई गैप नहीं लिया। एंड बस मेरा एमटेक का फर्स्ट ईयर है। आई थिंक अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, एंड कैलकुलेट करके मुझे कमेंट डाउन कर देना। योर कॉलेज नेम बेनेट यूनिवर्सिटी, आई थिंक अब तो सबको याद हो जाएगा। व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, आई फाइंड यू क्यूट बाय द वे। ये तो नाम ही काफ़ी कठिन है। एलियन एलियन डज, ओह बाय द वे काफ़ी यूनिक नाम है। सो यार मेरे को YouTube चैनल करने का आइडिया कहाँ से आया, मेरे को बहुत पहले से YouTube स्टार्ट करना था एंड मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरा टेस्ट और छेल जा करके Instagram पे भी एक ब्लॉगिंग पेज है जहाँ पे मैं फूड वीडियोस वगैरह डालती हूँ। मैं वही वीडियोस Instagram पे भी डालती थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैंने जब हॉस्टल में गई आज के आई थिंक साल भर पहले अगस्त के टाइम पे, मैंने ये सही खाना वाना ये सब डालना शुरू करा एंड विद इन फ्यू डेज मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला इट वॉज ट्रेमेंडस। तो मैंने कहा यार अब तो इसी आईडी पे लग जाना है। एंड लोगों का इतना प्यार मिला, इतना मतलब उन्होंने मुझे अपना बनाया कि मेरे को लगा यार कि हाँ मेरे को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एंड चीज़ें कैसे क्या करनी है। तो फिर अब बस मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो श्रीनाथ गुप्ता जी ने कमेंट करा है एज लिविंग प्लेस एंड सिबलिंग्स। तो एज तो मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लिविंग प्लेस फ़िलहाल तो मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ बट मेरा जो रियल घर है वो है लखनऊ। सिबलिंग्स हम 3 सिबलिंग्स हैं, मैं साहब एंड टोबू। आपकी एज क्या है बता चुकी हूँ। अक्सा खान ने मेरे को मैसेज करा हाउ ओल्ड आर यू, ये तो आपको कैलकुलेट खुद से करना है। अक्सा व्हाट इज़ योर फेवरेट, ओके व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस। यार मेरे को फेवरेट प्लेस की बात करें ना तो बनारस इज़ माई फेवरेट प्लेस। जब भी किसी बात का जिक्र आता है, कुछ भी आता है टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, आई एम लाइक यार क्या सुंदर सिटी है, मतलब इतनी हिस्टोरिक सिटी है, सब कुछ है वहाँ पे। मतलब यार मुझे कोई भी कहीं घूमना जाना हो ना, मैं सबसे पहला बनारस ही जाना चाहूँगी। भले मैं अभी जा चुकी हूँ 2-3 बार बट स्टिल यार वो जगह ऐसी है कि कभी मेरा मन उस जगह से नहीं भरता। मतलब मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना तो आई एम लाइक यार काश बनारस ही चली जाती तो कितना अच्छा होता, बट ऐसे नहीं जा सकती ना हमेशा। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यार अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लोगे, मेरे पेरेंट्स ने वीडियो देख ली ना बॉयफ्रेंड वाली तो जल्दी से शादी करा देंगे फिर मेरी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाय द वे कभी भी होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मैं कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं, आप लोगों से साफ साफ बताऊंगी। एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना करके डालूंगी कि गाइज आई हैव अ बॉयफ्रेंड और नॉट। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्ट्रीट फूड, मोमोज पसंद है भाई मुझे बहुत ज़्यादा। एंड बट यार आई हैव फाउंड कि ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साइड के मोमोज उतने अच्छे नहीं हैं जहाँ के मैंने खाए हैं। कार्तिक मनकोटिया का मैसेज आया है, हाय दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन। थैंक यू सो मच कार्तिक, ऐसे मैसेजेस पढ़ करके मेरा दिल भर जाता है बिल्कुल। बस ये पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ने बोला है कि हमें भी अपनी वीडियोज़ में लो। यार उनसे तो मुझे कहना पड़ता है कि हाय कर दो बाय कर दो, वो तो खुद से क्या कुछ नहीं आते हैं। पर हाँ यार काफ़ी अच्छे हैं मेरे दोस्त, हेल्प ज़रूर करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अरविंद पाठक जी ने पूछा हुआ है आप करते क्या हो। मैं एक YouTube क्रिएटर हूँ, उसके साथ साथ मैं आई एम अ स्टूडेंट एज वेल। आप इतनी खूबसूरत क्यों हो, ये कैसा सवाल था, खुश कर दिया आपने तो। कलरफुल सिबलिंग्स का क्वेश्चन आया है कि आपका बर्थडे कब आता है। तो गाइज मेरा बर्थडे आता है 24th of September को। मैं आपको ये डेट ऑफ बर्थ का पूरा ईयर भी बताने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आप लोग अभी कैलकुलेट भी करना है। दीपक रॉय जी का कमेंट आया है कि आप किस कॉलेज में पढ़ती हो, ऑलरेडी आंसर्ड। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कम्प्लीट करा है, ऑलरेडी आंसर्ड। हाँ और आप एक चीज़ इतना बीमार क्यों रहती हो, यार एक्चुअली ग्रेटर नोएडा का पानी ऐसा है कि मेरे को उतना जल्दी सूट नहीं करता एंड मेरी तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शालिनी यादव जी का कमेंट आया हुआ है कि लॉट्स ऑफ लव, आपकी इनकम कितनी है। ओह ये तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बट हाँ यार अभी तो इतनी नहीं है बट इन फ्यूचर आई ट्राई टू मैनेज कि मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ एंड इस चीज़ का आंसर करूँ। अभी तो इतना है कि अभी मैं अपना कुछ मेरे को जो चाहिए होता है मैं वो सब चीज़ें कर पाऊँ आप लोगों के सपोर्ट से।
आप सेल्फ पैसे अर्न करके मैनेज करते हो या आपकी फैमिली देती है? यार दोनों चीज़ें, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। डू यू वॉच क्रिकेट? नहीं यार, ये क्वेश्चन है, सॉरी, दिवाकर तोमर का। आई डोंट वॉच क्रिकेट, बट हाँ, वर्ल्ड कप वगैरह, मतलब जो ऐसे मेन मेन सीरीज़ होती हैं वो मैं सारी की सारी देखती हूँ। मेरे को इनका मैसेज आया हुआ है एलियन डस का, हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स? सो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रागिनी, जो कि मेरे कॉलेज टाइम की है, बट नाउ शी इज़ डूइंग जॉब, तो अभी तो उससे उतना बातचीत नहीं है मेरी। बट हाँ यार, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, एक फ़ोन करूँगी तो सामने से रिप्लाई आएगा। एंड दूसरे हैं मेरे बड़े भैया ध्रुव। अब यार समझ में नहीं आता बड़े भाई को बेस्ट फ्रेंड बनाऊँ या ब्रदर बताऊँ, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। फन विथ एस, अपने 10th और 12th की मार्कशीट दिखा दो प्लीज़। 10th और 12th की, ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया। ये तो मैं तब दिखाऊंगी यार जब तुम पहले मेरे को अपनी 10th की मार्कशीट दिखाना, मेरे को भेजना मेरे मेल पे, उसके बाद मैं भी तुम्हें पर्सनली भेजती हूँ फिर। हसन अली ने मैसेज करा, व्हाट्स योर एज? ये तो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। देवांगी अधिकारी जी ने मेरे को मैसेज करा है, डोंट माइंड बट व्हाट्स योर वेट? जितनी मेरी एज है उतना मेरा वेट तो नहीं है यार, मतलब कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो होता है ना, मेरा वेट उतना सही है यार, बट मैं ये आंसर नहीं क्वेश्चन करना चाहती, मैं ये क्वेश्चन का नहीं आंसर करना चाहती, सॉरी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो गया। राजीव गोयल जी ने मेरे को कमेंट करा है कि आपके साथ आपकी कॉलेज में इसका खाना खाना है, खिलाओगे? सर ज़रूर, अगर कभी आप मेरे कॉलेज आएँ, आप बस एक बार एक कमेंट का रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपसे मिल करके वहाँ का खाना आपको खिला पाऊँ। तो मीम इंडिया ने कमेंट करा है, व्हाट्स योर कॉलेज नेम क्यूटी विच गेव यू दिस यमी यमी फूड? बेनेट यूनिवर्सिटी है भाई, आओ कभी तुम भी। मेरे को एक यूज़र हैं जिनका नाम है मिशब, उनका कमेंट आया है, आपके फादर क्या करते हैं? तो गाइज लेट मी क्लियर दिस, माय फादर इज़ एन पीसीएस ऑफिसर एंड माय मदर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल। तो मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं एंड द वन हु हैज़ चोजन दिस स्ट्रीम ऑफ प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट फील्ड। Doesn't your videos create issues related to FCI? I mean your mess food quality is getting public. ये message करा है अनुराधा पटनायक ने। So यार अनुराधा जी, to be really very honest, I don't know अगर इस type का कुछ issue अगर है तो, but हाँ I feel कि मैं क्या खा रही हूँ, मेरे mess में क्या मिल रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए, and तो बस मैं इस वजह से डालती हूँ, बाकी मेरा और कोई concern नहीं है। No question, just one thing, you are so sweet. फूड्स एंड रेसिपीज़ में थैंक यू सो मच यार, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। रोहित यादव ने कमेंट करा है समथिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी। तो गाइज एक चीज़ मैं आप सबके नोटिस में लाना चाहती हूँ, एक्सपेंसिव बहुत अगर बीटेक की मैं बात करूँ तो, क्योंकि मेरे कॉलेज में बीटेक की फ़ीस सिर्फ 25 लाख रुपये, एंड आई थिंक यार बहुत ज़्यादा होता है 25 लाख रुपये, मतलब किसी के फादर की लाइफ टाइम की कमाई होती है 25 लाख, एंड वहाँ पे कोई अपने से बच्चे की एजुकेशन पे लगा दे रहा है, तो बस मुझे इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। एंड बाकी तो यार इट्स गुड, एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यार, परी चौक से वहाँ तक का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, मतलब खर्चा बहुत हो जाता है यार ओवरऑल। सो बस गाइज मैं आज का ये Q&A सेशन यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और भी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे मैं नहीं ले पाई, उनसे मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, एंड जिनके भी कॉमन क्वेश्चंस थे आई थिंक मैंने उनका आंसर ऑलरेडी एक ही बार में दे दिया है कि मैंने M.Tech करा है या जो भी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ है तो वहाँ फॉलो करिएगा, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, शैलजा त्रिपाठी के नाम से है, एंड मेरा फूड ब्लॉगिंग पेज है टेस्ट विद शैलजा, आप मुझे प्लीज़ वहाँ भी फॉलो करिएगा, एंड वो भी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिएगा। बस गाइज दैट्स ऑल, चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, नमस्ते।